क्या बात है, क्या लिमिटलेस परफॉर्मेंस दी है आपने. ओवर टू आवर जजेस. पवनदीप, आई प्रॉमिस यू, एक बहुत बड़े म्यूजिकल स्टार बनने वाले हो आप, ये सवाल ही नहीं है. इट्स गोइंग टू हैपन. शनमुख, मेरे हिसाब से आप ऑलरेडी स्टार हो. एंड योर कॉन्फिडेंस इज समथिंग आई थिंक हर आर्टिस्ट को सीखना चाहिए. आपकी बॉडी लैंग्वेज स्टेज पे, जिस तरह आप स्टेज पे पूरी तरह काबू, एंड योर बिलीफ इन योर सेल्फ, एंड यू डू दैट बेटर देन एनीवन एल्स हियर. इनक्रेडिबल. एवरीवन शुड लर्न. बहुत बहुत अच्छा. पहले तो मैं कहना चाहती हूँ, आप बहुत अच्छा गाती हो और आज आप बहुत अच्छी लग रही हो. थैंक यू. आप भी बहुत मस्त लग रहे हो. थैंक यू, थैंक यू. ये रिवाज होता है जो एक दूसरे को. आपके घर से कोई है? मम्मी पापा है? मम्मी पापा आए हुए हैं. अरे नमस्कार सर, कैसे हैं आप? देखो आपको देख के मैं चक्कर आ गया सर. इनके बाद आपको देखती हूँ तो हैंडसम लगता है कोई भी. तो सर मैं कहना चाहती हूँ कि आपकी बेटी बड़ी प्यारी लग रही है. आपने इसकी शादी के बारे में कुछ सोचा है? सर अभी बच्ची बड़ी हो जाती है. सर मैं अब मैम कह दीजिए सर, मुझे लगता है मैं आज ही तो शेव की थी कहीं मुझे सर निकल आया. आपको देख के हंसी आती है. मैं तो आज अपनी तरफ से बहुत सुंदर बन के आई. फिर भी चलिए आपसे पूछती हूँ, आपको कैसा लड़का चाहिए? आदि जैसा, रोहन जैसा, हर्ष जैसा, हिमेश सर जैसा, या फिर अपने जो हैंडसम बैठे हैं दूसरे विशाल सर जैसा? अब तक मैंने ऐसे मतलब लड़का के बारे में ऐसे वर्ड्स ऐसे सोचा नहीं है. देखो साइली, तुम 24 इयर्स ओल्ड हो, राइट? तो और कोई क्रश भी नहीं है? ऐसा पॉसिबल नहीं है 24 साल की लड़की का कोई क्रश ना हो? विक्की कौशल. चलिए मैं आपका एक काम कर दूंगी, वो मेरी ही बिल्डिंग में रहते हैं. क्या मैसेज देना है आपने विक्की कौशल जी को? मुझे वो सुपर ज्यादा मतलब अलग लेवल पसंद है. तो मैं विक्की कौशल जी को आपका जरूर मैसेज दूंगी. ओके, ठीक है. तो विक्की कौशल जैसा लड़का मिले तो शादी करोगी? हाँ. और अगर आदि जैसा? मना. दाढ़ी चाहिए बस. आती है, आती है. मेरे लड़के को दाढ़ी चाहिए. साइली एंड अंजलि, ऑल द बेस्ट. शादी का लड्डू जो खाए पछताए हो, जो न खाए पछताए, जो खाए पछताए. सर आपका नहीं, शादी का लड्डू. नवराई माझी लाडाची लाडाची ग, आवड ही ना चंद्राची चंद्राची ग. नवराई माझी नवसाची नवसाची ग, अप्सरा दशी इंद्राची इंद्राची ग.
तो ये गाना मुझे बहुत पसंद है. आप दोनों ने कुछ अलग अलग बातें की जो अनयूजुअल है आपके वॉइस टेक्सचर के लिए. वेरी वेरी गुड. मतलब दोनों की परफॉर्मेंसेस बहुत अनयूजुअल थी. मजा आया मेरे को बहुत. थैंक यू सो मच. मुझे ऐसा लगा कि ये वो परफॉर्मेंस है कि ये खत्म ही नहीं होना चाहिए. जब अंजलि ने अंतरे में कुछ सडनली कुछ तुमने एक ऐसी कारीगरी दिखाई, जब मैंने और नेहू ने सीधा रिएक्ट किया कि ओ माय गॉड, ये तुमने अंजलि ने, हमारी अंजलि, हमारी लेडी तानसेन अंजलि, आउटस्टैंडिंग अंजलि. बताओ यार क्या किया तुमने वो. नवराई माझी लारा ची लारा ची ग, आवुरा हिला चंद्रा ची चंद्रा ची ग. ये लेडी तानसेन से सीधे क्लासिक जोन में भी छक्का. सुपर्ब, आउटस्टैंडिंग, फैंटेबुलस, माइंड ब्लोइंग, हिस्टोरिक. जय माता दी, लेट्स रॉक. थैंक यू. रोहू, आप दोनों ने बहुत ज्यादा अच्छा गाया. थैंक यू. आपकी आवाज बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत बोल्ड सुनाई देती है आपकी आवाज, जो साइली साइली. और आप बहुत छोटी सी उम्र लग रही है आपकी मुझे, 15 साल की. और क्या कमाल गा रहे हैं आप, बहुत ही अमेजिंग आप गा रहे हैं. मेरी दुआएं आपके साथ हैं, ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं. आप बहुत ही बड़े, बहुत ही बड़े, बहुत ही बड़े, दोनों बहुत ही बड़े स्टार बन गए. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू. ना चाहूँ सोना चांदी, ना चाहूँ हीरा मोती, ये मेरे किस काम के. ना मांगू बंगला गाड़ी, ना मांगू घोड़ा गाड़ी, ये तो है बस नाम के. देता है दिल दे बदले में. चली जाएगी, मैं डंडा लेकर आऊंगा, मैं डंडा लेकर आऊंगा. तू डंडा लेकर आएगा, मैं कुएं में गिर जाऊंगी, मैं कुएं में गिर जाऊंगी. मैं रस्सी से खिंचवाऊंगा, मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगी, मैं आरी से कटवाऊंगा. से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो. मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो. अरे झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो. मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो. मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो. के चली जाएगी, मैं दूजा ब्याह रचाऊंगा, मैं दूजा ब्याह रचाऊंगा. दूजा ब्याह रचाएगा, हाय मेरी सौतन लाएगा. मैं मायके नहीं जाऊंगी रे, मायके नहीं जाऊंगी. मैं मायके नहीं जाऊंगी रे, मायके नहीं जाऊंगी. अरे तेरे सदके जाऊंगी रे, मायके नहीं जाऊंगी. कौवा काटे, काले कौवे से डरियो. मैं तेरी सौतन लाऊंगा, तुम देखते रहियो. मैं तेरी सौतन लाऊंगा, तुम देखते रहियो. मैं मायके नहीं जाऊंगी, तुम देखते रहियो. मैं मायके नहीं जाऊंगी, तुम देखते रहियो. मैं तेरी सौतन लाऊंगा, तुम देखते रहियो. नहीं जाऊंगी, तुम देखते रहियो.
थैंक यू. वाह वाह क्या बात है. नचिकेत कसम से कभी आपको देख लूंगा रास्ते पे तो पहचान नहीं पाऊंगा कौन सा नचिकेत असली है. मुझे लगता है कि नचिकेत की मूछ और टोपी निकाल के आज अपने हमारे असली हैंडसम नचिकेत को भी देख ही लेते हैं. देख लेते हैं नचिकेत. प्लीज हमने देखा. वाह क्या बात है. क्या बात है. वाह नचिकेत मैंने पूरी हिस्ट्री के जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उनको इतना वर्सेटाइल नहीं देखा जितने आप हैं नचिकेत. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू. और सिरिशा जब आपको इनिशियली ऑडिशंस में भी सुना और ग्रैंड प्रीमियर में भी सुना तो लगा कि सिरिशा एक बहुत ही अच्छी सिंगर है बट बहुत अच्छी सिंगर है. ये नहीं पता था कि सिरिशा इज अ ग्रेट परफॉर्मर और बड़ी अच्छी एक्ट्रेस भी बन सकती हैं. थैंक यू. एक्चुअली ऐसा लग रहा था कि हम एक फिल्म देख रहे हैं नॉट ओनली अ प्ले मुझे एक फिल्म लग रही थी. तो अमेजिंग. कुडोस टू यू. नचिकेत आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं है. कसम खाओ. सच में कसम से. और मुझे पता है इस हालात में बहुत ठंड भी जा रही होगी. काफी देर खड़े रहो ना क्योंकि वो दो तीन बार पैर ऐसे ऐसे कर रहा था. मुझे पता है कि लुंगी और ऐसी चीजों में सीधी हवा जाती है जितना उसका साड़ी घुमा घुमा के बांधी आपका उतना ही खुला छोड़ा है. इसीलिए मैं ज्यादा नहीं कहूंगी. हर्ष बोल दो कि बहुत अच्छा. नहीं भाई बहुत अच्छा गाया आपने. थैंक यू सर. और जल्दी पैंट पहन लीजिए भाई. बात है. क्या लग रहे हो आप दोनों. सो प्रिटी. थैंक यू. रोहन बहुत ही एफर्टलेस सिंगिंग थी आपकी. बहुत ही अमेजिंग आया आप दोनों ने. बहुत ही और बहुत प्यारे लग रहे हैं आप दोनों. थैंक यू. जिस माँ बाप ने पैदा किया पूरी उम्र रहे 20-25 साल और एक लड़का आता है साथ फेरे लो मंगलसूत्र पहनो सिंदूर सर नेम तक चेंज हो जाता है सर. और इन लड़कियों ने बच्चियों ने इतना अच्छा गाया. मैं इमोशनल हो रही थी पर मुझे होना नहीं था क्योंकि मैं बहुत रोती हूँ. लेकिन आप दोनों ने बहुत अच्छा गाया. मतलब वर्ड्स नहीं है मेरे पास. भारती आपकी विदाई हुई थी तो आपके घर पे आपकी मम्मी रोई थी. मम्मी बहने मतलब इतना रोई. रोहन सहमत हो गए इस बात से. पंजाबी इतना रोते जब उनकी बेटी की विदाई होती है. ऐसे रोते जैसे घर में चोरी हो गई हो. काजल यहाँ लिपस्टिक यहाँ मेरे को पता ना चले मम्मी कौन सी बहन कौन सी.
मैं हर्ष के पापा को बार बार मिल रही थी, कोई बात नहीं मम्मी आ जाऊंगी मैं, मतलब वो इतने सुंदर लग रहे थे, बहुत रोई थी बहुत। भारती खुद ऐसे रो रही थी कि जैसे मतलब कुछ हो गया, मैं बोल रहा हूँ भारती ठीक है यार इतना ज्यादा। सच में मैं हिमेश सर इतना रोई थी जैसे मेरी मर्जी के खिलाफ शादी हो। पहले बता दूं ये नेशनल टीवी पे जितने भी लड़कियां हैं उनके पेरेंट्स सुन रहे हैं, जब आपकी बेटी रोना जो होता है ना दूल्हे को देख के होता है कि किस हिसाब का दूल्हा है। जैसे नेहा बिल्कुल रोई नहीं होगी। मेरे जो पति हैं ये रहते हैं चंडीगढ़, तो इनको चंडीगढ़ छोड़ के बॉम्बे आना था। हमारे एक्चुअली वैसे क्या होता है कि मतलब लड़की वाले रोते हैं ना, हाँ तो यहाँ पे लड़के वाले रो रहे हैं। मतलब वो पुत्र तो जा रहा बात है। बहुत क्यूट लगा मुझे जो आपने कहा, बहुत ही स्वीट। लड़की वाले रो रहे थे लेकिन उतना नहीं जितना लड़के वाले रो रहे थे। हाँ ये जो सर आप जो चल रहा है, आ हा हा हा, क्या बात है। बात ये इधर आप रोहू बेबी, इधर सुबह से ए तू खाएगा क्या, ए तू लेगी क्या, ए चल बे चुप रहे, ए तू ऐसा होता है। थैंक यू वेरी मच। सदा कह रही है खुशी की मुबारक घड़िया जी सुर्ख जोड़े में चांद सी दुल्हन जमीन पे फलक से परिया गई है। के तेरी
गली बाबुल खूबसूरत ये नजारे याद आएंगे चाह के भी हम तुम्हें ना भूल पाएंगे मुश्किल 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 का मन को छुड़ाना लगता है दिल हल्का तो दिल दीवाना लगता है दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है दिल हल्का तो दिल दीवाना लगता है क्या कॉम्बो है मजा आ गया दानिश सवाई अगर मुझे मौका कभी मिलता कि मैं नुसरत साहब को एक परफॉर्मेंस तोहफा दूं तो मैं ये देता बहुत 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 खुश मैं ये कहूंगा कि जब एक करिश्मा होता है तो 5-6 साल में एक बार होता है इंडियन आइडल के इस सीजन में बार बार हो रहा है तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा जब से मैं आया हूँ मेरे को ऐसा नहीं लगा कि सभी एक दूसरे से झगड़ रहे हैं मुझे लगा कि ये एक फैमिली का शो चल रहा है बिल्कुल 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 सही बात आप सभी इतना मिलजुल के गा रहे हो और मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है यार थैंक यू सो मच और आपने बहुत अच्छा गाया दोनों ने बहुत थ्रूदारी से गाया थैंक यू सो मच थैंक यू सवाई आपकी और दानिश की आज जो परफॉर्मेंस हुई है ये इंडियन आइडल के इतिहास में लिख देनी चाहिए सो गॉड ब्लेस अच्छा विशु यहीं से बैठे बैठे कर दे कर लेंगे उसमें क्या दानिश सवाई आपने मौसम बदल दिया आज मेरे यार की शादी है आज मेरे यार की शादी है यार की शादी है मेरे दिलदार की शादी है आज मेरे यार की शादी है आज मेरे यार की शादी है लगता है जैसे सारे संसार की शादी है आज मेरे यार की शादी है आज मेरे यार की शादी है शुभ लग्न मुहूर्त देखो क्या खूब जची है दूल्हे की बोली सूरत दूल्हे की बोली सूरत खुशी से झूमे है मन मिला सजनी को साजन कैसे संजोग मिले है चोली से बंद गया दामन चोली से बंद गया दामन ओ, 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 किसी के सपनों के 16 सिंगार की शादी है आज मेरे यार की शादी है आज मेरे यार की शादी है यार की शादी है मेरे दिलदार की शादी है आज मेरे यार की शादी है आज मेरे यार की शादी है लगता है जैसे सारे संसार की शादी है आज मेरे यार 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 की शादी है लगा कि तालमेल पता नहीं 100-200 शो तुम लोग एक साथ कर चुके हो और सुपर पैक्ड ऑडियंस के साथ परफॉर्म करने के बाद एक बार हम पर एहसान करने आए हो तो हम अपने व्यूअर्स को बता दें कि ये लेवल के परफॉर्मेंसेस होने के बाद जैसे ऑडियंस दीवानी हो जाती है
हम लोग जजेस होने के बावजूद भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते कि इतने अच्छे परफॉर्मेंस में हम लोग क्या करें कि बिना वजह सीरियसली उसमें नुक्स निकालें. जब ग्रेट है तो ग्रेट बोलना पड़ेगा. बिल्कुल. बहुत अच्छा गाया आप लोगों ने. पहले मुझे लगा आप किसी के पेरेंट्स हो दोनों. मुझे लगा कि शायद आपके बच्चे गाएंगे तो हम आपसे बात करेंगे कि अंकल आपको कैसा लगा. मेरा गला है नहीं लेकिन आप लोग का भी नहीं है लेकिन आप गाते बहुत अच्छा हो भाई. बिना गले के गाते. आप दोनों ने मौसम बदल दिया. से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई. आज से मेरा घर तेरा हो गया. तेरे कांधे का जो दिल है वो तेरे सीने में जो दिल है वो तेरी बिजली का जो बिल है आज से मेरा हो गया. ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरे खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर आज से तेरा हो गया. तेरे माथे के कुमकुम को मैं तिलक लगा के घूमूंगा. तेरी बाली की चुन चुन को मैं दिल से लगा के झूमूंगा. मेरी छोटी सी भूलों को तू नदिया में बहा देना. तेरे जूड़े ये फूलों को मैं अपनी शर्ट में पहनूंगा. बस मेरे लिए तू मार तुए कभी कभी बना देना. आज से तेरी सारी सदियां मेरी हो गई. आज से तेरा पल मेरा हो गया. ओ तेरे कांधों का अंबर, ओ मेरे खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर आज से आज से आज से तेरा हो गया. वाह वाह क्या बात है, क्या परफॉर्मेंस थी. और आपके परफॉर्मेंस का आनंद रोहू और नेहू बड़े प्यार से उठा रहे थे. आज से मेरा सब नेहा तो 2 महीने पहले से मेरा सब कुछ आपका हो गया, आपका सब कुछ मेरा हो गया. तो बस यही बात है. अच्छा हमारी बात छोड़ो ना. हाँ जी. मैं दोनों को एक्चुअली इस शो के रोमांस किंग्स का नाम देना चाहूंगी. आप दोनों मतलब आप दोनों गाते तो रोमांस ना ऐसे ऐसे मतलब ऐसा मन कर रहा था कि रोहू और मैं बस ओके बाय बाय हम घर जाके रोमांस करते. मतलब ऐसा इतना खूबसूरत था. बहुत ही सुंदर. ब्यूटीफुल. थैंक यू सो मच. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल. क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.